आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी और डेवलपमेंट का मतलब है कि विकास। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू माइंड इज व्हाट इज पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि पॉवर्टी क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और डेवलपमेंट का मतलब है विकास। लेकिन अगर पॉवर्टी हो, गरीबी हो, तो हमारा विकास नहीं हो सकता। सो पॉवर्टी इज जनरली डिफाइंड एज अ सोशल फिनोमिना इन विच अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। गरीबी जो है एक ऐसा सोशल फिनोमिना है जिसमें सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वही पूरा नहीं कर सकते। हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो पूरी नहीं कर पाता वो पॉवर्टी के अंडर आता है। व्हेन अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज़ अनेबल टू अफोर्ड द बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ देन इट्स टर्म्ड एज मास पॉवर्टी। और जब इसमें कई ज़्यादा व्यक्ति जो हैं कम से कम जितनी नेसेसिटीज़ जो हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जो है मास पॉवर्टी के अंडर आते हैं। पॉवर्टी हैज़ बीन अ फीचर ऑफ ऑल कंट्रीज एट सम पॉइंट इन हिस्ट्री। अब हमारे हिस्ट्री में जो है जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें कभी ना कभी जो है पॉवर्टी की बात हुई ही है। व्हाट इज़ जनरली सुजेस्टेड एज अ सॉल्यूशन टू पॉवर्टी इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट। अब पॉवर्टी और डेवलपमेंट दो अलग अलग बातें हैं। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि अगर गरीबी होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो व्हाट इज़ जनरली सुजेस्टेड एज अ सॉल्यूशन टू पॉवर्टी, गरीबी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डेवलपमेंट, विकास। जितनी दर से विकास बढ़ेगा उतनी ही जो गरीबी है वो घटेगी। Development can be defined as the problems of the underdeveloped countries. और development जो है वही कई बार problems होती है underdeveloped countries की। मतलब कि जो countries develop नहीं कर पा रही या underdeveloped हैं अभी, तो वो मतलब कि development उनकी नहीं हो पा रही होगी या उनकी development की ही problem कही जाती है। डिवेलपमेंट और मोर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डिवेलपमेंट फोकसेस टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सुजेस्ट सोल्यूशन टू इट। कहते जो विकास है या फिर आर्थिक विकास है वही जो है मेन कारण गरीबी का समझ सकता है और वही जो है सोल्यूशन बताता है। क्योंकि आर्थिकता जो है वही डिवेलपमेंट कर सकती है, गरीबी को हटा सकती है। मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास के क्या क्या फीचर्स हैं हम ये पढ़ेंगे। डायनामिक इन नेचर, दिस इम्प्लाइज ऑल द वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीप चेंजिंग। डायनामिक है कि कोई भी जो चीज़ है वो स्थिर नहीं रहती, हमेशा जो है वो चेंज होती रहती है। तो आर्थिक डेवलपमेंट जो है उसके वेरिएबल्स भी जो हैं हमेशा ही बदलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म फिनोमिनन, डेवलपमेंट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। अब रात में तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती एक रात में, ये थोड़ी है कि कोई भी जो है काम एक रात में हो जाएगा। कई काम ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम लगता है। सो एक जो डेवलपमेंट है वो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि रात में ही सारा काम हो जाएगा। डिवेलपमेंट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लान्स, डिवेलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए होते हैं ताकि जो है अच्छे से डिवेलपमेंट हो सके। नेक्स्ट वन इज़ रियल पर कैपिटा इनकम मेजरमेंट। हायर द रियल पर कैपिटा इनकम, हायर इज द डिवेलपमेंट ऑफ अ नेशन। जो इनकम पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो है नेशन की डेवलपमेंट होगी। जैसे कि यूएसए जो है वो इकोनॉमिकली फर्स्ट है और डेवलपमेंट भी जो है बहुत हुई हुई है उसकी। तो पैसा जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेशन में भी, क्योंकि अगर एक नेशन के पास पैसा नहीं होगा तो वो वेपन्स कैसे खरीदेगा,
जो आर्मी कैसे प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन के लिए, तो ये जो है डेवलपमेंट के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एज लॉन्ग एज ग्रोस इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटीज, सोसाइटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड डिवेल्प। जैसे जैसे जो है मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी इनइक्वालिटीज़ रहेंगी, मतलब कि सभी इक्वल नहीं होंगे, भेदभाव रहेंगे, तो कोई भी जो सोसाइटी है वो डिवेल्प नहीं कर पाएगी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में भी आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 15 जो है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट कलर क्रीड और रेस, या आर्टिकल 14 हो गया रूल ऑफ लॉ। तो ये भी जो क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये तो इंडिया के लेवल पर है, लेकिन इंटरनेशनली लेवल पर जो है वो भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ अ मस्ट फॉर कॉलिंग अ सोसाइटी डिवेल्प। अब जितनी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी उतनी ही जो सोसाइटी है वो डिवेल्प मानी जाएगी। Keeping these two factors of poverty and development in mind, the policies of nations in the international arena are shaped. और ये जो दो हैं पॉवर्टी और डिवेलपमेंट, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एरिना में नेशन की पॉलिसीज बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। So hope you like this channel. जय हिंद।